इसे इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो देखते कैसे करेंगे हम लोग, चलिए अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ से देखिए ये माइनस साइन क्या बाहर जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन ऑड होता है, इफ, ठीक है, फंक्शन एफ इज ऑड या एफ एक्स इज ऑड, अगर ये एफ एक्स ऑड है तब एफ ऑफ माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑड होने के लिए आपको ग्राफ का कैसा होना चाहिए, जैसा इस क्वाड्रेंट में ग्राफ है वैसा इस क्वाड्रेंट में ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से ग्राफ होना चाहिए, मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होना चाहिए, जैसा इधर ग्राफ है वैसा इधर ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। तो ग्राफ अगर आपको पता है तो उसे भी आप बता सकते हो। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है। ये अगर आपने अपनी बुक में देखा होगा तो आपको याद होगा, या फिर देख क्या याद कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही ग्राफ क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल है। इससे हम ये गारंटी दे सकते हैं कि जो साइन इनवर्स है ये एक ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन होने का मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल लिखा जाएगा। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, या यूं कहिए सिंपल लैंग्वेज में कि ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये कॉस के साथ होगा, बिल्कुल नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टैन के साथ होगा या नहीं होगा ये भी आप चेक कर लीजिएगा। तो ये लॉजिकली आप याद रखिए एक्सप्रेशन को। खैर यहाँ पे तो साइन इनवर्स आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस साइन आपका क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इट बिकम पाई बाई थ्री प्लस साइन इनवर्स ऑफ वन बाई टू, ये आपका एक्सप्रेशन प्रोसीड कर गया। और यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या लगाया, यहाँ पे सिंस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी आप क्लेम कर दोगे वहाँ पे कि हमने ये प्रॉपर्टी, ये आप क्लेम करोगे, ठीक है। अब क्या होगा इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होने वाला है, साइन इनवर्स वन बाई टू, ये तो एक एंगल है, वो एंगल कितना होगा वो कैसे आपको पता पड़ेगा कि साइन किस एंगल की वैल्यू वन बाई टू होती है, तो आपको पता होना चाहिए साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू। तो इट कुड बी रिटेन एज ए साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई थर्टी, को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाई सिक्स लिखेंगे, ठीक है, प्लस पाई बाई थ्री, ये हो गया साइन, ठीक। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स होता है यहां से, फिर आपका क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स हो जाएगा। अब देखिए ये पाई बाई थ्री क्या है, 60 डिग्री, और ये क्या है 30 डिग्री, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, मतलब पाई बाई टू रेडियन। तो इट कुड बी साइन पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया।